तो गाइस, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपने वीडियो में 500 लाइक्स कंप्लीट कर दिए तो मैं इसका पार्ट टू लाऊंगा। तो यार, तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही ज़्यादा कमाल कर दिया, 500 प्लस लाइक हो चुके हैं, तो न्यू पार्ट आ चुका है। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछला पार्ट बता देता हूँ कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। तो पिछले पार्ट में रोफ हीरो ने अपने बेटे टिप्सन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाए, जिसके कारण टिप्सन ने पेपर दिया और वो पुलिस वाला बन गया। और लेकिन उसने टिप्सन ने अपने बाप रोफ हीरो को छोड़ दिया। अब आगे, मेरे बेटे टिप्सन ने इसी कॉलेज में पेपर दिया और पेपर देने के बाद वो पुलिस वाला बन गया, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, उसने मेरा सपना तो पूरा किया, वो पुलिस वाला तो बन गया। बेटा बेटा टिप्सन, मेरे पास आओ। अरे अरे टिप्सन, तुम दूर क्यों जा रहे हो? प्लीज प्लीज बेटा, मत जाओ मेरे से दूर। न जाने क्या हो गया, ऐसे ही मेरे से दूर जाता जा रहा है। अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं भूखा ही मर जाऊंगा। ये तो मुझे कमा कर देगा ही नहीं। चलो कुल्फी ही बेच लेता हूँ, ये पापी पेट भी ना क्या क्या करवाता है। कुल्फी ले लो कुल्फी। अरे साहब साहब, कुल्फी लीजिए साहब। कहाँ जा रहे हो? अरे साहब रुकिए रुकिए, शेह मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर है और मैं यहाँ पर कुल्फी बेच रहा हूँ। कितनी बेकार जिंदगी कर दी मेरे बेटे ने मेरी। जाओ, मुझे नहीं बेचनी कुल्फी। बेटा टिप्सन वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ बेटा टिप्सन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। टिप्सन वापिस आ जाओ। कितना कुछ किया मैंने उसके लिए। शेह, अरे ये घर तो बिल्कुल ही सूना पड़ गया है। टिप्सन यहाँ पर रोज खड़ा हुआ करता था, लेकिन आज मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। अरे अरे ये क्या, ये तो चोर है। अरे ये तो बैंक में डाका डाल कर आया है, इतना सारा पैसा। तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने डाका डाला, चल निकल यहाँ से। रुक रुक, अभी तू रुक, मैं बताता हूँ पुलिस वाले को। अरे ये तो मेरा बेटा टिप्सन है। टिप्सन टिप्सन, अरे टिप्सन सुनो, अरे वहाँ पर एक बंदे ने चोरी करी है, वो बैंक में से डाका डाल कर आया है। जाओ जल्दी से जाकर उसे पकड़ो बेटा। अरे पापा आप अपना काम करिए, उसे डाका मारने दीजिए। और हाँ, मेरे काम में मत टांग अड़ाइए, उसे मैंने ही कहा है और वो डाका डाल कर मुझे पैसे दे देगा, मैं और अमीर बन जाऊंगा। बेटा टिप्सन, तुम इतनी हद तक गिर सकते हो मुझे कभी पता नहीं था। तुम तो मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। अब उस डाके वाले को कोई नहीं बचा सकता, तू नहीं बचेगा डाके वाले। चुपचाप पैसे वापस वहीं पर रखा जहाँ से लेकर आया है। अच्छा तो तू नहीं मानेगा, चल तेरा काम तमाम। अरे अरे पापा ये क्या किया? अरे मेरे पापा को मार डालो, इनकी वजह से वो लुटेरा मारा गया, अब हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मार डालो मार डालो। इसके बाप को, इसका बाप बहुत ही बेकार है, मार डालो। खुद तो पैसे कमाता नहीं है, हमें भी नहीं कमाने देता। अरे अरे ये क्या, ये तो मुझे मार रहा है मेरा बेटा होकर। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना मैं मारा जाऊंगा। अरे अरे आगे भी पुलिस, पीछे भी पुलिस, ये सब की सब पुलिस बिल्कुल ही करप्ट है। मैं इनकी कार लेके भाग जाता हूँ, फिर ये क्या करेंगे। अरे अरे ये कैसी कार है, तो संभल भी नहीं रही। अरे बाप रे बाप, अरे अरे क्या हो गया। अरे अरे नहीं नहीं, आगे तो कर रहा है, अरे टक्कर लग जाएगी। ओ शिट, ओ मेरा सर। अरे यार इतनी जोर से फटा मेरा सर, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए वरना मुझे पकड़ लेंगे। ओ शुक्र है मैं जैसे तैसे वहाँ से तो भाग आया। एक काम करता हूँ, अपना एम्बुलेंस वाला काम फिर से शुरू कर लेता हूँ, ताकि मैं लोगों की मदद भी कर पाऊँगा और अपना पैसा भी कमा पाऊँगा। और ये क्या मेरा बेटा टिप्सन, इसे मैं सुधारने की पूरी कोशिश करता हूँ। टिप्सन बेटा ये काम छोड़ दो। अरे पापा अब जिंदा कैसे बच गए, मुझे लगा था तुम तो मर गए हो, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे ये क्या, मेरा बेटा तो मेरा दुश्मन बना पड़ा है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रुको पापा रुको, तुम नहीं बच के जा सकते, जहाँ जाना जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। अरे सुनो तुम सब के सब, मेरे पापा हैं ये, इन्हें जान से मार दो, मैं चलता हूँ। नालायक बेटे, अपने गुंडे भेजते हैं मुझे मारने के लिए, लेकिन ये गुंडे नहीं बचेंगे। आज तुमने मुझे गुस्सा इतना दिला दिया है कि आज मैं तुझे भी नहीं बख्शूंगा। जहाँ जाना है जा, आ रहा हूँ मैं तेरे पीछे बेटा। इन सबको पहले मार दूँ, फिर तेरा नंबर आएगा बेटा, तू नहीं बचेगा। अरे तुम सबके सब मरोगे, तुम भी बहुत ही ज़्यादा पापी हो, मरोगे तुम सबके सब। कैसी बेकार औलाद पैदा कर दी है मैंने, अब नहीं बचेगा कोई भी। अपनी औलाद को तो मैं ठिकाने लगा ही दूंगा, इतना बुरा काम करती है वो। अबे ये क्या, इसकी कार, अरे मतलब इसकी पुलिस वालों की कार। हेलो हेलो, कमिश्नर स्पीकिंग, कमिश्नर स्पीकिंग, टिप्सन पुलिस ऑफिसर, तुम्हें एक काम करना है, हमारे इस वाइस टाउन के अंदर उग्रवादी आ रहे हैं, तुम्हें उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है, उनको मिठाई खिलानी है, समझ गए? हम अपने इस देश से गद्दारी कर रहे हैं, ये बात किसी को मत बताना, वरना हम अभी के अभी मारे जाएंगे और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ये क्या, मेरा बेटा उग्रवादियों से मिला हुआ है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे पता है वो कहाँ पर होगा, वो क्लब में है। ओए होए रोफी रोके पापा, तेरा बेटा तो पुलिस ऑफिसर बन गया ना? काय का पुलिस ऑफिसर बना है, भाड़ में जाए वो। अरे ये रहा मेरे बेटा, ये किन से बात कर रहा है, मैं चुपके चुपके सुनता हूँ।
अरे टिप्सन, तू तो उग्रवादियों के साथ मिला हुआ है, तू तो देश से गद्दारी कर रहा है, ये बात तेरे पापा को पता है क्या? अरे नहीं, मेरे पापा को ये सब नहीं पता, इसीलिए तो मैंने उन्हें छोड़ दिया है। अच्छा, तो तू उग्रवादियों के साथ मिला हुआ है, तो तुझे इसमें क्या फायदा होता है? अरे मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है इसमें, बहुत ही ज्यादा पैसा। क्या मेरे बेटे ने ये सब पैसों के लिए किया? इतना गिर सकता है वो पैसों के लिए? मुझे नहीं पता था। आज मैं इनके दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा और आज इस टिप्सन को भी नहीं छोड़ूंगा। टिप्सन को तो पुलिस में पकड़वा दूंगा। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। ए पापा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओ अरे ये क्या, इसका बाप तो पागल हो गया है। सर सर, हमें माफ कर दीजिए, हमें मत मारिए सर। नहीं 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 सर, नहीं। नहीं 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 पापा, पापा मुझे कुछ मत कीजिएगा, मैं माफी मांगता हूँ पापा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए पापा, मुझे मत मारिएगा। क्या बेटा, मैंने तुझे इस दिन के लिए पैदा किया था कि तू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बेटा, तू तो मरेगा। मत मारो, मत मारो, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। कर दीजिए, हमें माफ कर लेडीज एंड जेंटलमैन, सबके सब दिल थाम के बैठ जाइए और सुनिए मेरी बात। जो आपको वहां सामने एक शख्स दिख रहा है वो मेरा बेटा है, लेकिन इसने बहुत ही बुरे बुरे काम किए हैं, तो इसे मैं एक मौका दे रहा हूँ सुधरने का, कि ये सुधर जाए। सुधरने के लिए इसे सबसे पहले अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। अरे ये क्या, मुझे गन मारने की कोशिश कर रही है, ये ले, आज तू नहीं बचेगी, तू तो बिल्कुल ही नहीं बचेगी। तो अगर मेरे बेटे को सुधरना है तो उसे पुलिस के हवाले करना होगा अपने आप को। फिर उसे जब वो जेल से अपनी सजा काट कर आएगा तो उसे दोबारा से पेपर देने होंगे पुलिस के, और वो दोबारा से पुलिस बन के दिखाएगा, और इस बार वो ईमानदार पुलिस बनेगा। क्यों बेटा टिप्सन, बनेगा ना ईमानदार पुलिस ऑफिसर? है पापा, मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनूंगा। मैं जाता हूँ अपने आप को पुलिस के हवाले करके रहा तो पापा। बाय पापा, बाय। हाँ बेटा जा, बाय बाय, मिलते हैं फिर। बेटा तू पूरे 5 साल के बाद सजा काट कर आया है, अब क्या सोचा है तूने? पापा मैं पुलिस के पेपर दूंगा और पुलिस ऑफिसर बन के दिखाऊंगा, और इस बार ईमानदार पुलिस बनूंगा पक्का। हाँ बेटा, अगर तू इस बार ईमानदार नहीं बना तो मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। नहीं पापा, ऐसा मत कीजिए, अब चाहिए, मैं पेपर देकर आता हूँ। ठीक है बेटा, मिलते हैं। जब तू पेपर देकर आएगा तो मुझे तू पुलिस ऑफिसर में मिलना चाहिए। वाह बेटा, तू सच में फिर से दोबारा दूसरी बार पुलिस ऑफिसर बन ही गया आखिरकार। और क्या इस बार तू ईमानदार है ना? जी पापा, अब मैं इस फर्स्ट टाउन का हर एक अपराधी पकड़ लूंगा और सबको सजा दूंगा। हाँ बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। चल अब घर तो चलेगा ना, कहीं पिछली बार की तरह घर ही वापस नहीं आएगा। नहीं पापा, चलो चलो घर चलते हैं पापा। सबसे पहले घर जाएंगे, खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे, ये है। हाँ बेटा चलो चलो चलो, ये है मेरा बेटा वापस घर आ चुका है, ये है।